हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है, यहाँ पर देखिए ओपन हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने प्रोफाइल के ऑप्शन को यहाँ पर ओपन करेंगे। प्रोफाइल के ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए यहाँ पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिया है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है, फिर इसमें हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, हमको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारी जो यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है हमारा जो अकाउंट है मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे बना है, और यहाँ पे हमारा बर्थडे डेट दिया है, और इसके नीचे यहाँ पे दिया है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल्स। हमें अपने अकाउंट को परमानेंट डिलीट करने के लिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया है डीएक्टिवेशन और डिलीशन, हमको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे अपने आईडी पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ पे दिया डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट, और नीचे यहाँ पे दिया है एक दिया है डीएक्टिवेट अकाउंट दिया है, और दूसरा यहाँ पे दिया डिलीट अकाउंट दिया है। अगर आप अपने अकाउंट को कुछ दिन के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है तो हम यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई एक इश्यू सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर टू बिजी टू डिस्ट्रैक्टिंग का ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड इंस्टाग्राम का हम उसको यहाँ पर फिल करेंगे अकाउंट डिलीट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद हम अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया है कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन, और इसके नीचे यहाँ पे दिया इफ़ यू कंटिन्यू विथ अकाउंट डिलीशन योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी डिलीटेड ऑन 24 जून 2024। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंस्टाग्राम का जो टर्म पॉलिसी है, इसके अनुसार हम कोई भी अकाउंट को डिलीट करते हैं तो जो हमारा अकाउंट है 30 दिन के बाद डिलीट होता है। अगर हम इसको रिकवर करना चाहते हैं 30 दिन के अंदर रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो अकाउंट का फाइनल डिलीशन डेट है, यहाँ पे देखिए 24 जून दिखा रहा है, हमारा 24 जून के अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर हम 24 जून से पहले अकाउंट को अपने रिकवर करना चाहते हैं तो लॉगिन करके इसको रिकवर कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल अपने अकाउंट को डिलीट करना है तो हमें यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो गया है। अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आप ऐसे इजी स्टेप फॉलो करके अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।